क्षेत्र के नरपतखेड़ा डूडा कॉलोनी में सपा नेत्री वंदना चतुर्वेदी ने गरीबों को खिलाया खाना। कोरोना महामारी की जंग में राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन के से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय महासचिव महिला सभा वंदना चतुर्वेदी ने बढ़ाया हाथ। इसी क्रम में सपा नेत्री वंदना चतुर्वेदी पारा कृष्णा नगर आशियाना आलमबाग इत्यादि क्षेत्रों में मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों को राशन व भोजन वितरित करने के साथ हैंडमेड मास्क भी बांट रही है। आज उन्होंने पारा थाना क्षेत्र अंतर्गत नरपतखेड़ा डूडा कॉलोनी में भारी संख्या में गरीबों को भोजन कराने के साथ साथ हैंडमेड मास्क भी वितरित किए। यह मास्क वंदना चतुर्वेदी अपने साथ की महिलाओं के सहयोग से बनवा कर लोगों के बीच वितरित कर रही हैं। उनके इस समाज सेवा में कुलवंत कौर, मोहित चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रेमचंद विद्यार्थी, सनी सैनी सहित दर्जनों लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी मैम, अपना परिचय दीजिए। हम वंदना चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी महिला सभा। जी जी। आज हमने जो है भोजन अपनी कॉलोनी जो गरीब हैं, मलिन बस्ती हैं, जिनके घर में अनाज नहीं है, साग नहीं है, सब्जी नहीं है, उनके लिए खाने की व्यवस्था करी। जी। और ये जो है हमारी एक उद्देश्य है, ये कॉलोनी क्यों, जहाँ जहाँ भी हमें भूखे मिलते हैं, प्यासे मिलते हैं, हम रोज़ कर रहे हैं ये काम, रोज़ जाते हैं, कभी कभी तो हम नगर निगम की भी मदद लेते हैं, कभी कभी स्वयं भी बांटते हैं, जैसे आज हमने स्वयं बांटा, कल भी स्वयं बांटा, और कच्चे राशन की भी हमने व्यवस्था का प्रावधान किया है। मास्क बांटे हैं और मास्क हमारे पास हैं भी, जैसे कि मास्क बांटे गए हैं, कल भी मास्क वितरण किया, परसों भी किया, भोजन भी वितरण किया, कल तेलीबाग में किया, दो दिन पहले आपका आज़ाद नगर कैंट में किया, कृष्णा नगर में किया, पारा थाने पर किया मास्क वितरण। इस तरह से हम लगातार जो है लोगों को सहयोग करते आ रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी ऐसी है कि जो रोड पे आई है और अपने जनता की और अपने लोगों की जो है सहयोग कर रही है और मदद कर रही है। आगे भी जो निर्देश होंगे उसको हम माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश से पालन करेंगे। सेवा ही बहुत बड़ा धर्म होता है मानव का। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और इस कोरोना वायरस जैसी महामारी में, इस संकट की घड़ी में लोगों को मदद पहुंचाना कहीं कहीं आप लोग का मुख्य दायित्व भी है, इसको आप लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? केवल इतना कहेंगे कि अपने घर की साफ सफाई बहुत मजबूती से रखें लोग, और कम से कम सैनिटाइज कराएं। अरे कुछ नहीं मिल रहा है तो केवल नीम की पत्ती जो होती है, नीम की पत्ती भी जला देंगे, उससे कीटाणु घर के नष्ट हो जाएंगे। और साबुन से हाथ, साबुन से ना जो है कोई सैनिटाइज है ना कुछ है, तो डिटॉल साबुन ले लें, लाइफ साबुन ले लें, उससे जब भी कोई कार्य करें हाथ धोएं, सब्जी भी लें उसको धुल लें पहले तब पकाएं गुनगुने पानी में, और मास्क हमेशा लगाए रखें, क्योंकि मास्क ही इस समय बचाव का सहारा है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अंगोछा क्या जो है, ये जितना सरकारी धन गया है क्या ये उसको बचाने के प्रयास में है? क्यों नहीं मास्क वितरण करेंगे भाई? पब्लिक कब तक अपने पास से खरीदेगी? स्वयं सेवी संस्था कर रही है, क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि जो है मास्क बांटे? एक समस्या और आ रही है, जैसे कि भूख की समस्या के को लेके जहाँ पे भी लोगों द्वारा, दानवीरों द्वारा भोजन का वितरण, राशन का वितरण किया जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंस को थोड़ा भूल जा रहे हैं, इस दिशा में भी क्या जागरूक किया जा रहा है कि दूरियां? बिल्कुल जागरूक किया जा रहा है और दूरियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अभी वितरण हुआ है जी, तो दूरियां बनवाने का प्रयास किया गया है और लोग समझदार है, दूरियां बना रहे हैं और घरों से न निकले। आप लोगों द्वारा लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है, कराया जाए? हमने तो नहीं निकलने दिया, हम तो अपने जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ जाते कहते भैया वहीं रहना, हम आ रहे हैं। धन्यवाद।